एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस पे है। आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ, जी हाँ, नीविया की ये पर्ल एंड ब्यूटी वाली रेडियंस व्हाइट पर्ल्स। ये आपको कहते हैं 48 आवर तक लॉन्ग लास्टिंग करता है। अभी देखिए बरसात का सीजन आया हुआ, इसमें भी आपकी जो बॉडी का जो ऑर्डर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है और बहुत तेजी से सामने वालों को भी स्मेल होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिव्यू कर रही हूँ और मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं। सो गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी। सो गाइस, मैं बरसात के मौसम जो बोलती है रेनी सीजन, इसमें बॉडी की जो ऑर्डर होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। वो कैसे, समर से भी ज्यादा आपको ये बरसात में, क्योंकि बारिश के मौसम में एक अजीब सा ह्यूमिडिटी होता है, तो जिसके कारण बॉडी की जो स्मेल जिसको होती है ना, बॉडी के जो ऑर्डर होते हैं बैड ऑर्डर बहुत ज्यादा ही जिसको होती है, तो यकीन मानिए कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। यकीन मानिए अगर आप सूंघ लो ना तो आप बेहोश हो जाओगे, ऐसा होता है। मैं समझ सकती हूँ, तो क्योंकि मुझे भी है, बट मुझे इतनी ज्यादा भी नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। और होता है तो क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन है। जी हाँ, आप स्प्रे यूज करते हो ना, जो आप डिओड्रेंट यूज करते हो उससे बेनिफिशियल होता है डिओड्रेंट। जी हाँ, डिओ स्टिक, सॉरी, डिओड्रेंट से भी ज्यादा डिओ स्टिक रोल ऑन, क्योंकि ये क्या है ना, बॉडी पे एग्जैक्टली एक लेयर बनाती है। वो लेयर जो होती है ना, वो के जो बैड ऑडर को होता है ना, थोड़ा देर के लिए कंट्रोल करता है। 48 आवर तक तो नहीं होती है, बट आपको एटलीस्ट पूरा एक डे आपका हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि ये 10 से 12 घंटे तक आपकी जो बहुत ज्यादा, जिसको बहुत ज्यादा दुर्गंध वाली प्रॉब्लम है उसको ये कंट्रोल करेगा 10 से 8 घंटे। अदरवाइज जिसको बहुत बीमी है वो 15-16 घंटे रिलैक्स रह सकते हैं और उसके बाद आप जो अपना स्प्रे यूज करते हैं वो कर सके। ये बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से बाहर नहीं आता है, मतलब इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ लोग बोलेंगे कि आपने कुछ ये लगाया, बट हाँ, ये आपके ऑर्डर को कंट्रोल जरूर करके रखता है। और डे बाय डे अगर आप इसके रेगुलर यूज हो जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी से इसी की स्मेल भी आएगी। चलिए पहले इसको एक बार थोड़ा सा क्लोज से जान ले। सो गाइस, तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं जब भी कोई न्यू वाला खरीदती हूँ तो मैं इसकी ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों से देने जरूर आती हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज करती हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इसको पूरा ईयर यूज करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं विंटर में इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर आपकी जो तन की दुर्गंध हो वो नहीं आती हो, तो ऑर्डर नहीं होता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूज नहीं, मैं इसको पूरी मंथ पूरे साल यूज करती हूँ। तो और डेली हर बात के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको वो जो तन की दुर्गंध है ना वो होगी, वो कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिएगा, ये रिव्यू मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है मीशो के प्रोडक्ट के साथ। तो ये वाला जो रोल है ना, जस्ट इस तरह से करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट कॉटन में बहुत ज्यादा लग जाएगा। इस तरह से 1-2-3 बार कर लीजिएगा। एक व्हाइट लेयर दिख रहे हैं, लिक्विडी ये दिख रहा होगा, ये लग जाएगा। उसके बाद आपको इसको क्या करना है ना, हैंड से, जिसको बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है वो हैंड से इस तरह से करेंगे और अपने अंडर आर्म्स को थोड़ा देर उठा के ही रखेंगे, ठीक है। उसके 2 से 3 मिनट बाद, जिनको बहुत ज्यादा है, जिनको लाइट होती है वो यूज का इस्तेमाल बस जस्ट रोल करके छोड़ देंगे, और जिनको बहुत ज्यादा है वो इस तरह से करने का 2-3 मिनट बाद इस तरह से कर लेंगे। फिर एक बार पाउडर का लेयर देंगे हल्का सा, उसके बाद पाउडर को इस तरह से कर लीजिएगा, उसका इसका एप्लीकेशन फिर से करना है, और उसके बाद फिर अंडर आर्म्स उसको उठा के रखना है। यहाँ पे हैंड टच नहीं करना, इसी तरह से अंडर आर्म्स को उठा के रखिएगा ऊपर और ये पूरा ड्राई होने दीजिएगा। उसके बाद आप क्लोथ पहनिएगा, उसके बाद आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह का रिजल्ट मिला। यकीन मानिए आप मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि ये जो मैंने बताया इससे बहुत लोगों को हेल्प होगी, सॉरी, हेल्प कुछ भी हेल्प होगी। जी हाँ, तो क्योंकि मैं ये ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा स्क्रिप्ट वगैरह लिख के नहीं बोलती हूँ, सॉरी फ्रेंड, बट आजकल के लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो स्क्रिप्टेड होते हैं, जो स्पॉन्सर होते हैं, उन्हीं को सारी दुनिया पूरा पीछे वीडियो देखने भी जाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और हम जैसे जो ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले यूट्यूबर है उनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग डूब के ही मर जाए। बट कोई बात नहीं, मैं तभी वीडियो बनाऊंगी, तब भी हार नहीं मानूंगी, चाहे 100-150 ही व्यूज क्यों ना हो। तो चलिए, तो ये यूज कीजिए और उसके बाद आप थैंक यू जरूर बोलिएगा। और उसके बाद मैं जान रही हूँ ये दुर्गंध वाली प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको होती है ना हर टाइम बहुत एम्बेरस होना पड़ता है, सीरियसली बहुत एम्बेरस होना पड़ता है। अगर मुझे ऐसा कुछ हो, सीरियस मैं बता रही हूँ, अगर मैं एक दिन अगर बात नहीं लूँ ना, तो नेक्स्ट डे बॉडी अजीब सा एक ऑर्डर आने लगेगा। मुझे मेरी सिस्टर लोग कहेंगे अरे यार तुमने आज नहाया नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ जिनको ज्यादा होती होगी तो क्या उनका हालत होगा।
सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर जरा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर मै ऑल यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।